नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में समाज सेवा की दृष्टि से आम जनता के लिए लगातार सामाजिक संगठन चिकित्सा शिविरों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में ग्वारी पूर्वा गोमती नगर क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। ये आयोजन समाज सेवी रामचरण यादव एडवोकेट हाई कोर्ट की ओर से कराया गया। इस मौके पर ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मांड पुरी महाराज ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्व को समझाते हुए कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा विद्या चिकित्सा की सबसे प्राचीन चिकित्सा विद्या है। चिकित्सा का जो शिविर आयोजित किया है, यह पूरा एक उपक्रम है, जन सेवा का भाव है। जहां भौतिक युगों में लोग प्रगति की होड़ में अर्जन उपार्जन के पीछे भागते हैं, वही मेरी लाइफ का ही स्लोगन है कि माय लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माय बेनिफिट। मेरी कंपनी ने एक उपक्रम शुरू किया है जिसकी टाइटल है मेरा गांव मेरा देश रोग मुक्त उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम आजीवन हर लोगों को आधी कीमत पे औषधियां उपलब्ध कराते हैं। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वन विभाग की तरफ से प्रदेश में पौधा रोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चित्रकूट से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि वृक्षारोपण जन आंदोलन से जोड़ने के लिए संदेश देंगे। वहीं राजधानी लखनऊ में वन विभाग के मुख्यालय में प्रदेश भर में पौधारोपण की लाइव स्ट्रीमिंग एवं मॉनिटरिंग की गई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो लक्ष्य लेकर हम चले आज हम उसको हासिल कर सके, और ये टीम वर्क था। इसमें मेरे विभाग के जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे वो यहाँ पे हैं, जो लोग फील्ड से जुड़े रहे वो फील्ड में लोगों ने बहुत मेहनत की है, और अन्य समस्त विभाग 25 विभाग जो हमारे साथ इस लक्ष्य में जुड़े हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ ये टारगेट पूरा करने के लिए। लखनऊ में आरएलडी के राष्ट्र महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि 100 दिनों में सरकार ने कुछ नहीं किया और 100 दिनों में सरकार ने किसानों का भुगतान भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 साल का जवान अगर शहीद हो गया तो उसकी विधवा 10 लाख में क्या कर लेगी। आपके राजनीतिक पार्टी के लोग जिस पार्टी को आप चलाते हैं उसमें 3-3 पेंशन ले रहे हैं, एमएलए के ले रहे हैं, सेना सेनानी के ले रहे हैं, एमपी की ले रहे हैं, और आप सेना के सिपाही को जो अपनी जान देता है, अगर 21-22 साल के लड़के की शादी हो गई और वो 1 साल बाद वहाँ चला गया, उसकी विधवा कहाँ से खाएगी, 10 लाख रुपये में उसका गुजारा चल जाएगा जीवन भर का। लोग इसलिए सेना में जाते थे कि हम देश की रक्षा करेंगे, और अगर हमारी वहाँ जान चली गई तो हमारे परिवार की रक्षा सरकार करेगी। आज सरकार ने वो जिम्मेदारी अपने साथ डाली है। मेरा साफ आरोप है कि जो नौजवान देश की रक्षा करने में जो कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए, जो बॉर्डर पर पाकिस्तान से चीन से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने हटा ली है। ये पहला प्रधानमंत्री आजाद भारत में जिसने कहा कि मैं सैनिकों को पैसा नहीं दूंगा। खबर लखनऊ से है, जहां फिल्म काली को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसको लेकर हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के निर्माताओं और अन्य कलाकारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया, जिसके चलते लोगों ने फिल्म के निर्माता पर आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप लगाया। कल दिनांक 4/7/2022 को थाना हजरतगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के माध्यम से ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में यह भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणि मेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
खबर लखनऊ से है, जहां पर महीनों बाद मनरेगा मटेरियल भुगतान के पाने के बाद ग्राम प्रधानों के चेहरे पर उत्साह देखा गया। दरअसल ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे की अगुवाई में कई ग्राम प्रधान ब्लॉक गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस बल के साथ खंड विकास अधिकारी पहुंचे। ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे ने बताया कि इस ब्लॉक पर कोई अस्थायी बीडीओ नहीं है। हम लोगों को एक तो अस्थाई वीडियो नहीं है, यहाँ अस्थाई वीडियो चाहिए। हम लोगों का पेमेंट जो है साल भर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था पहले कराई जाए। फर्म के जितने भी फर्म है सब लोग प्रधानों से पैसा मांग रहे हैं, प्रधान पैसा कहाँ से देगा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने बांटे। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन भी वितरित किया। शिक्षकों की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही लोगों से पौधारोपण करने की अपील भी की गई। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन शुरू किया गया है। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है कि पिछली बार जो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था उससे अधिक वृक्ष यानी 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उसी अनुक्रम में हम लोग प्रयागराज मुख्यालय पर आ जाए हैं। बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो रहा है और इस बार एक पर्यावरण के लिए एक ऐसा संदेश उत्तर प्रदेश की धरती से जाएगा कि पूरे देश और दुनिया के लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया, दोहराया है। और कार्बन उत्सर्जन का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम दुनिया के सभी प्लेटफार्म पर भारत इस बात की चर्चा करता है, चिंता करता है कि कार्बन उत्सर्जन को हम रोकेंगे, पर्यावरण को सही करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाएगा, उस वादे को पूरा करेगा। खबर हरदोई से है, जहां जनपद में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने ब्लॉक संडीला के ग्राम नारायणपुर में वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के साथ ही वृक्षारोपण भी किया। और इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज युवावन में वृक्षारोपण के बाद मंडलायुक्त ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम और जनपद को हरियाली युक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने द्वारा लगाए पौधों की स्वयं देखभाल करें। पूरे प्रदेश में ही बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हो रहा है। एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगा के स्टेट एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और एक बहुत अच्छा पहल है। और अगस्त 15 तक ये चलेगा एक तरीके से, और जुलाई में भी 3 दिन पूरा दिया हुआ है आज से शुरू होकर के। जनपद में आज 54 लाख पौधे लगनी थी जो कि लगाए जा रहा है विभिन्न स्थलों पर, और इनको पूरा जो करना है 75 लाख पौधे जनपद में लग जाएगा अभियान के अंतर। और मैं कहूँगी कि प्रशासन ने बहुत अच्छा मेहनत इसके लिए किया है और एक जन आंदोलन की तरह जन सहभागिता से इसको अच्छा सफल बनाने की कोशिश किया है। सिद्धार्थनगर में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने जिले में आए और जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने वन विभाग की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने बीएसए ग्राउंड में वृक्षारोपण कर प्रदेश के साथ साथ जिले को हरा भरा करने के लिए निर्धारित वृक्ष लगाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की बात कही। प्रेस वार्ता में मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 दिन में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्नति प्राप्त की है, उसके अलावा किसानों के हित के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर से अनाधिकृत रूप से नेपाल की तरफ से भारत में प्रवेश कर रहे एक इटालियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गन्ना भुगतान की मांगों को लेकर किसानों ने तहसील में जमकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द भुगतान कराने की बात कही और कहा कि जब गन्ने की पेराई खत्म हो गई तो गन्ना मिलों को किसानों का बकाया देना चाहिए। जो किसानों का गन्ना पेमेंट है, योगी जी और मोदी जी ने चुनाव में घोषणा की थी कि हम 14 दिन में इस गन्ना पेमेंट करेंगे और आज तक जो है अभी करीब जो है 250 करोड़ रुपए बकाया है जो अभी तक गन्ना पेमेंट नहीं हो पाया है।
कितनी बार धरने प्रदर्शन कर चुके, ये मोदी शुगर मिल पर है, करीब 70-80 करोड़ के करीब जो है हमारा ब्याज है जो नहीं मिल पा रहा है। तो ये घोषणा चुनावों में करते हैं कि हम 14 दिन में ये कर देंगे, करते कुछ नहीं है। खबर देवरिया से है, जहां पर उमा कॉम्प्लेक्स के त्रिपाठी फॉरेस्ट मार्च ब्रांच में 3 बदमाशों ने तमंचे के नोक पर कर्मचारी के हाथ पैर बांधे और लगभग 1,00,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान एसपी संकल्प शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। ये घटना पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मौके पर एडिशनल एसपी राजेश सोनकर और सदर क्षेत्राधिकारी श्रीयस त्रिपाठी मौजूद रहे। पुलिस जांच में जुट गई है। तीन लोग आए, तीनों के हाथ में ये पिस्टल या कट्टा था। उन्होंने मेरे अंदर आए और डायरेक्ट उन्होंने संभारे और पैसा लूटा और मुझे बांध दिया और भाग गए। और जब भागने के तुरंत 5 मिनट बाद जो बंदा झाड़ू लगाता है वो मेरा आके पैर खोला। फिर मैं गया अपने ये जिसका दुकान है उसके रेंट पे दुकान है उनके ऑनर के पास गया और वो उन्हें से उनको बताया, फिर अपने मालिक को बताया। यहाँ पे लूट हुई है 1,00,000 रुपए, 1,400,000, अराउंड 1,500,000 रुपए का। खबर फरीदाबाद से है, जहां पलवल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्य का नाम लेकर पलवल निवासी होटल संचालक से हजारों रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को एवीटी स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद कर उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हरी कृष्णा डब्बा संचालक विजेंद्र के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि हर माह 10 तारीख से पहले 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करा देना, नहीं तो अपना डब्बा बंद कर लेना। जो मैं रोज बिश्नोई का शूटर बोल बात कर रहा, जो बाद में ओके लिख दिया। जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पलवल श्री राजेश दुग्गल IPS के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए AVT स्टाफ अथीन की टीम ने विष्णु कुमार वासीरा हुआ हाल पंजाब राजपुर को कल दिनांक 4/7/2022 को दिल्ली शास्त्री पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। खबर आगरा से है, जहां रितिका हत्याकांड मामले को लेकर थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके रितिका के परिवार वाले ADG जोन राजीव कृष्ण के मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। बता दें कि इस मामले में 2 हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन हत्यारोपियों को पुलिस कब तक हिरासत में ले पाती है। सर, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ पुलिस विभाग से कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके ऊपर जो है जो फरार है अभी तक नहीं पकड़े गए, बाकी जो नामजद हैं 4-5 आदमी उनको भी शीघ्र पकड़ा जाए जिससे इसका खुलासा हो सके हत्या का। इस गंभीर घटना में अभी तक 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो मौके पर एक तरीके से हत्या करने के बाद तत्काल मौके से ही गिरफ्तार हुए हैं। आज इनका परिवार मुझसे मिलने आया है और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के षड्यंत्र में कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के स्टाफ के साथ लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को घटना में साइकिल और लूटे गए 7,05,000 रुपए बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर और क्षेत्राधिकारी के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरिया सुजान स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय काम करते हुए विगत माह जो एक लूट की घटना कारित हुई थी CSP संचालक से उसका पर्दाफाश किया है और इसमें लूट कारित करने वाले 3 अभियुक्तों को और तथ्यों को छुपाने के क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूट की पूरी रकम जो 7,05,000 रुपये है उसकी 100% रिकवरी की गई है। साथ में
लूट में जो प्रयोग की गई बाइक थी उसको भी रिकवर किया गया। प्रयागराज स्वास्थ्य महकमे में डॉक्टरों के तबादले को लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायतें मिलने के बाद मैंने खुद अधिकारियों से जवाब तलब किया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि कुछ लोगों ने तबादले के संबंध में उनसे शिकायत की थी। लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में काफी अनदेखी हुई है और शासन के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी मांगी। मेरी जानकारी में विभिन्न लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनमें शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है, उसी अनुक्रम में हमने उनसे जानकारी मांगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां के एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर सीखने आ रही एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई, जिसमें चाकू लगने से आरोपी छात्र का भाई बुरी तरह से घायल हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। कोचिंग से आ रही थी ना, उस टाइम इस मेरे क्लास के लड़कों ने मेरे आगे बाइक और स्कूटी रोक के मेरे से फ्रेंडशिप करने की बोली, और जब मैंने मना किया तो उसने अगले दिन फिर स्कूटी रोकी और फिर कल मेरे भाई को मारा। फिर आज क्या हुआ? आज भी मेरे भाई वगैरह आए थे कोचिंग से, हम भाई बहन सब साथ में पढ़ते हैं, तो आज उन्होंने भी लड़के बुला लिए, मेरे भाई भी थे, तो फिर मारा पीटी दोनों को स्टार्ट हो गई। ये मैटर हुआ था। खबर हरदोई से है, जहां कासिमपुर थाना क्षेत्र के मार्डर प्राथमिक पाठशाला में करंट की चपेट में आने पर छात्रा की मौत हो गई, जो मिड डे मील खाने के बाद छात्रा पानी पीने के लिए समरसेबल पर गई थी, जहां जर्जर तारों की चपेट में आने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहंदा लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बेंदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मॉडल में प्राथमिक विद्यालय में 2020 में ग्राम पंचायत द्वारा इंडिया मार्का हैंडपम्प में समरसेबल स्थापित किया गया था। आज खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उसमें पता चला कि बच्चे मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के पश्चात हैंडवाश कर रहे थे, कुछ बच्चे हैं वहाँ पर भी हैंडवाश कर रहे थे, उसी समय अचानक एक बच्ची को, कक्षा एक की बच्ची को करंट लगने से स्पार्क कर गई, और उसमें प्रथम दृष्टया खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है, जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या दादा? सुशील गुप्ता। कहाँ का रहने वाले हैं? माड़ा। क्या घटना घटी? ये स्कूल गई थी सुबह, और स्कूल से वहाँ खाना खाने वाले पानी पीने बहाने गई, वहाँ लड़की तार खुले पड़े थे, उसमें ये नल चलाया, उसमें लग गया वो नल जलाया। हाँ, कौन से स्कूल? प्राइमरी इंग्लिश मीडियम। सर वो स्कूल सुबह स्कूल गई थी, स्कूल में वहाँ पे जो लंच हुआ है, लंच में वो समरसेबल में पानी वहाँ नल में अंदर पीने गई थी, वहाँ पे वो तार कटा हुआ था, शॉर्ट था, एक्सपायर था, और उसी को पता नहीं कैसे क्या हुआ वो उसमें चपक गई वो, और वहाँ से उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। यहाँ पे सीएसएफ संभल में एसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई, मृतक एसआई एक महीने बाद रिटायर होने वाला था। वहीं सूचना मिलने पर दरोगा के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस ने दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि महजोई कोतवाली में एसआई अमरपाल सिंह तैनात थे। थाना महजोई के अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली कि थाना बहजोई में तैनात श्री अमरपाल सिंह, ये एक निजी आवास में अकेले रहते थे, यहाँ पर रात को ड्यूटी के बाद वापस आए थे। सुबह जब इनके दरवाज़ा नहीं खुला, जब ये नहीं सुबह उठे, तो आसपास के लोगों द्वारा चेक किया गया, पुलिस को सूचना की गई, तो वहाँ पर इनको मृत अवस्था में पाया गया। प्रथम दृष्टया इनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। इनके पुराना भी इलाज चल रहा था, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जो विधिक कार्रवाई है।
फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 में 2 एकड़ जमीन के ऊपर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड अभी तक 9 लाख से भी ज्यादा छात्रों को सिखा चुके हैं। 2 एकड़ जमीन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से अलॉट की गई है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के साथ चेयरमैन समेत तमाम हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स। एक ये 2 एकड़ जमीन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स को मिली है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान एस के नंदा जी, गुजरात के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में गुजरात के डीजीपी पुलिस श्री अनिल प्रथम, आज हिंदुस्तान स्काउट्स के राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी और हमने आज इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। खबर आगरा से है, जहां के आनंद अपार्टमेंट में चोरों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के समधी के घर को निशाना बनाया। सोमवार देर रात चोरों ने घर से करीब 12 लाख रुपए नकदी के साथ जेवरात और सामान पर भी हाथ साफ किया। चोरी की सूचना पर पहुंची एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और चोरों की तलाश की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह लगभग 3 बजे 4 बजे के आसपास रवि सिवहरे नामक व्यक्ति के घर में चोरी हुई है और उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो उन्होंने अपने तहरीर में बताया है कि एक सोने का सेट, 4 चूड़ी, 1 लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और 1 चांदी का ग्लास और कुछ नकदी चोरी हुआ है। फिरोजाबाद में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी ने शिरकत की और प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस से अपील की और नारा दिया, अतिक्रमण हटाओ वृक्ष लगाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे यूपी में वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारे जनपद फिरोजाबाद के विकास क्षेत्र नारकी में, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, प्राथमिक विद्यालय नला बीच में आज वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ, यहाँ के ग्राम प्रधान जी और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रचार किया। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन वृक्ष से जुड़ा हुआ है और मेरा मानना है कि सभी व्यक्ति वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिले। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना अच्छा वर्क कर पाएंगे। खबर हरदोई से है, जहां होमगार्डों ने पिहानी कोतवाल पर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिससे नाराज होकर करीब 3 दर्जन होमगार्डों ने लामबंद होकर एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और एएसपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे होमगार्ड साथी ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज और जात सूचक शब्दों के द्वारा प्रयोग किया गया। उसे क्षुब्ध होकर के सब लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक हरदोई के पास फरियाद लेकर के आए हैं कि न्याय मिल सके। सारी ड्यूटी वहाँ की क्लोज हो चुकी है, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक कोई ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं। गाली गलौज और जात सूचक गालियाँ क्यों दी? ये बैंक ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ गए, उन्होंने तुरंत जाते जाते गाली गलौज करने लगे, तो फिर उसके बाद नाम पूछा, क्या नाम है, किस बिरादरी को, बिरादरी बताया तो और जात सूचक गाली देने लगे, तो उसने साहब मेरा कारण क्या, दोस्त क्या, क्यों गाली दे रहे हो, तो थप्पड़ हो जाया और मारने दौड़े, तो ताकि तब तक समाज के लोग थे, बीच भरा हो गया। योगी सरकार के नगर विकास मंत्री एके शर्मा आज अलीगढ़ पहुंचे और विभिन्न स्थलों पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया और लगाए गए वृक्षों की देखभाल और पौधों की लंबी आयु भी आयु के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री गण अलग अलग शहरों में पहुंचकर वहां जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही भव्य तरीके से बहुत ही बृहद रूप में वन्य सृष्टि को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार इस पूरे कार्यक्रम में आज से लेकर के 15 अगस्त तक 35 करोड़ पौधे लगाने का वृक्ष लगाने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। खबर मैनपुरी से है जहां महिला थाने में युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि थाने में हंगामा काटने और मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये प्रकरण जनपद मैनपुरी के थाना महिला का है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो बवाल कर रहा है इस वीडियो में वो विष्णु दीक्षित है और इसके विरुद्ध इसके ससुर द्वारा अपनी पुत्री को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और दहेज के लिए पैसा मांगने का मुकदमा महिला थाने में पंजीकृत कराया गया था। कल इसको नोटिस तामील कराने हेतु बुलाया गया था, जहां पे ये अपना आपा खो गया और पुलिस के साथ इसने हाथापाई और अवज्ञा करनी शुरू कर दी गई है। इसके द्वारा जो कृत्य किया गया इसके संबंध में कोतवाली मैनपुरी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। खबर कानपुर से है जहां की गुजियानी पुलिस ने लूट का फर्जी खुलासा किया है, जिससे पुलिस की किरकिरी हो गई है। बता दें कि पुलिस ने जिन आरोपियों को मुलजिम बनाया है उसमें से एक आरोपी तो पूरी तरह से निर्दोष है, तो वहीं आरोपी के परिजन का आरोप है कि सिर्फ गुड वर्क के चक्कर में थाना अध्यक्ष ने राजन सिंह को आरोपी बनाया है। सर ऐसा है कि 18 तारीख को हमारी गाय गुम हो गई थी, जो गाय हम घर में पाले हुए थे वो गाय गुम हो गई थी। तो हमारा छोटा भाई गाय ढूंढने के लिए हाईवे के किनारे टंकी पार्क बना हुआ है हमारे घर के पास में ही, वहाँ गाय ढूंढने के लिए गया हुआ था। उसने देखा कि हाईवे के ऊपर कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उसने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर वाले वहाँ पर आते हैं, कुछ लोग उसमें घटनास्थल में पकड़े भी जाते हैं और 112 नंबर वाले आ करके हमारे ही भाई को लुभा जा करके गुजनी थाने में बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद में हमको, हम और हमारे पिताजी दोनों लोग गांव गए हुए थे। खबर देवरिया से है जहां पेंकोली आश्रम में डीएम और सदर सांसद ने वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सांसद ने बरगद और पीपल का पेड़ लगाया और इस अभियान की शुरुआत की। बता दें कि इस आश्रम में दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मानी जाए वो पूरी होती है। मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश हरा भरा हो, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण ठीक हो, उत्तर प्रदेश के गांवों में शुद्ध वायु रहे और उस देश उद्देश्य को लेकर के पूरे प्रदेश में आज एक अभियान इसका लिया गया है। जुलाई के इस अवसर पर जो जनपद देवरिया में वृक्षारोपण का जो महाअभियान है उसकी शुरुआत मैंने यहाँ पैकौली महाराज का जो आश्रम है देवरिया का, एक दिव्य स्थान है और सदियों पुराना है, यहाँ पर मैंने मंदिर परिसर में पेड़ लगाकर प्रारंभ किया है और उसमें हरिशंकरी का भी पौधे लगाए हैं, जिसमें कि पाकड़ और बरगद और पीपल एक साथ लगाए जाते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि इस दिव्य स्थान से प्रारंभ हुआ वृक्षारोपण अभियान वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और जो 25 लाख पौधों का वृक्ष है जनपद देवरिया के लिए 5 तारीख में वो जरूर पूरा करेंगे हम लोग। रायबरेली में 35 करोड़ वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान 2022 के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। संसदीय और औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने पौधारोपण करके अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में प्रांतीय रक्षक डिम्पल वर्मा और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जनहित जनकल्याणकारी योजनाएं और साथ साथ जीवन सुखमय हो उसके लिए आज वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया और पूरे प्रदेश के अंदर 25 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य सरकार के द्वारा लिया गया। रायबरेली जनपद में भी 47 लाख पौधे रोपण आज किया जाएगा, जिसमें से 24 लाख 80 हज़ार
पौधों का रोपण सुबह से अब तक हो चुका है। खबर अलीगढ़ से है, जहां खाना ना देने पर शराबी पति ने पत्नी को गोली मार दी। आनन फानन में पुलिस ने महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। डॉक्टरों की टीम महिला के इलाज में जुटी। पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्राधिकारी का कहना है कि एक महिला को गोली मारी गई थी। महिला के परिवार की तहरीर पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। दुबा मोहल्ले में एक विवाद हुआ है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी पे फायर किया गया है और उसमें पत्नी को गोली लगी है। पत्नी को तत्काल ही जीएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, शीघ्र ही उसके पति को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज से जहां पर 17 वर्ष पूर्व आतंकियों के द्वारा इस परिसर को क्षति पहुंचाने का कोशिश करी गई थी, तो वहीं इस घटना की 17वीं बरसी पर राम जन्मभूमि सहित अयोध्या की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। जिसको लेकर अयोध्या DSP ने बताया कि पूरे राम नगरी के प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की तलाश ली गई। संदिग्धों से रोक रोक कर पूछताछ भी करी गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बरती जा रही है। देखिए, अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग लगातार यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया, उसको दृष्टि रखते हुए कुछ विशेष आवश्यकता बरती जा रही है। यहाँ पे जितने भी हमारे येलो जोन के पॉइंट हैं, वहाँ पे बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति पर लगातार दृष्टि रखी जा रही है कि किसी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को यहाँ अंजाम न दिया जा सके। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां अमहट स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण बचाने के लिए सांसद मेनका गांधी ने नागरिकों से आह्वान किया और कहा कि पेड़ पौधे भी आपस में बातचीत करते हैं, उन्हें भी इंसानों की तरह दुख दर्द होता है। बता दें, इस कार्यक्रम में कमिश्नर और ADG के साथ DM और SP सोमेन वर्मा भी पौधारोपण करने पहुंचे। सुल्तानपुर को ही हम लोग पेड़ लगा दें, हम कम से कम 25 लाख पेड़ यहाँ लगा दें और उनका देखभाल करें, तो हम सोचते हैं कि हमको दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मांस खाना अगर हम बंद कर दें, एक किलो मांस खाने से 11 किलो धान उसमें जाता है, धान गेहूं जो भी है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे जगहों ने पूरे जंगल कटवा करके सोयाबीन उगाते हैं, वो सोयाबीन जाता है यूरोप के जानवरों को खिलाने के लिए। तो आपके सारे जंगल जब तक नहीं वापस आएंगे, जब तक आप मांस खाना बंद नहीं करोगे और निर्यात बंद नहीं करोगे, तब तक हम बचे। खबर अयोध्या से है, जहां जनपद का कार्यभार संभालने के बाद SSP प्रशांत वर्मा मीडिया से मुखातिब हुए और राम की पैड़ी में बाइक स्टंट मामले पे सख्त हुए और कहा कि बाइक स्टंट करने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। अयोध्या की सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस संबंध में जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा। यहाँ पर जो एक सुरक्षा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए जो भी उस संबंध में दिशा निर्देश हैं, जो भी उस संबंध में गाइडलाइंस हैं और जो भी अन्य चिंताएं आती हैं, उनके अनुसार लगातार यहां पर पुलिस व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम जनजीवन में विश्वास जगाने के लिए समय से जन सुनवाई और जो फुट पेट्रोलिंग है उसके माध्यम से आम जनता के साथ जो संवाद है उसको बढ़ाया जाएगा। और एक मित्र पुलिस की भूमिका में हम कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, इस पर पूरी तरीके से ये प्रयास रहेगा। बुलंदशहर में कावड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस महानिर्देशक राजीव सभरवाल और पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के आने जाने वाले कावड़ के रास्ते का निरीक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। कुछ शिव मंदिरों पर भीड़ की वजह से मेले जैसी स्थिति हो जाती है, इसके लिए भी उन्होंने निरीक्षण किया।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।